उधर भारतीय सेनाओं की ताकत में लगातार इजाफा हो रहा है। भारत आसमान से लेकर धरती तक अपनी ताकत दिखा रहा है, जिसके चलते सरकार ने नौसेना की ताकत में बड़ा इजाफा किया है। बता दें कि कलावरी और क्लास मरीन यानी कि पनडुब्बी INS खंडेरी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। रिपोर्ट देखिए। अब दुश्मनों की खैर नहीं, पनडुब्बी INS खंडेरी नौसेना के बेड़े में शामिल। खंडेरी से नौसेना की बड़ी ताकत, भारत को मिली साइलेंट किलर की ताकत, पाकिस्तान को बड़ा झटका देने में सक्षम भारत। भारत दुनिया में तेजी से आगे बढ़ती हुई सैन्य शक्ति है। क्षेत्रीय सीमाओं से आगे बढ़ते हुए देश अब ग्लोबल पावर बनने की ओर अग्रसर है। भारत अपनी तीनों सीमाओं की ताकत में इजाफा कर रहा है, जिसके चलते रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई में स्कॉर्पियन क्लास की दूसरी पनडुब्बी INS खंडेरी को नौसेना के बेड़े में शामिल किया। पनडुब्बी INS खंडेरी के बेड़े में शामिल होने से नौसेना को साइलेंट किलर की ताकत मिली है। INS खंडेरी भारत की दूसरी स्कॉर्पियन वर्ग की मारक पनडुब्बी है, जिसे P-70 शिवालिक वर्ग के युद्धपोत के साथ नौसेना में शामिल किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे हरी झंडी दिखाई। INS खंडेरी की नौसेना में शामिल होने से भारत की नेवी की क्षमता में कई गुना इजाफा होगा। 300 किलोमीटर दूर दुश्मन पर वार करने की क्षमता, INS खंडेरी के अंदर है 360 बैटरी सेल्स और बैटरी सेल्स का वजन 750 किलो के करीब, 40 से 45 दिनों तक सफर करने की क्षमता। खंडेरी के अंदर दो 1250 kWU डीजल इंजन, पनडुब्बी में है पानी से किसी भी युद्धपोत को नष्ट करने की क्षमता। इसकी लंबाई लगभग 67.5 मीटर और चौड़ाई 12.3 मीटर है। INS कलवरी है स्कॉर्पियन श्रेणी की बनी पहली पनडुब्बी। पनडुब्बी को नौसेना को सौंपने के बाद रक्षा मंत्री ने कहा, पाकिस्तान को समझ जाना चाहिए कि INS खंडेरी के जरिए हम जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान के हमले को जवाब देने में सक्षम है। अब भारत पाकिस्तान को पहले से बड़ा झटका देने में सक्षम है। रक्षा मंत्री ने कहा कि खंडेरी नाम स्वार्ड टूथ फिश से प्रेरित है, जो समुद्र के तल के करीब पहुंचकर शिकार करने के लिए जानी जाने वाली एक घातक मछली है। सच्चाई तो यह है कि भारतीय नौसेना इंडियन ओशन रीजन के सभी छोटे बड़े देशों में भरोसा और परस्पर विश्वास पैदा करना चाहती है, मगर कुछ ऐसी ताकतें हैं जिनकी हसरतें नापाक हैं। वे साजिश रच रहे हैं कि समुद्र के रास्ते मुंबई के 26/11 जैसा एक और स्पेकुलेटेड अटैक भारत के इस कोस्टल एरिया में वह कर सकें, लेकिन उनके इरादे किसी भी सूरत में कामयाब नहीं होंगे। ये पनडुब्बी स्टेल्थ और एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन समेत कई तरह की तकनीकों से लैस है, जिससे इसका पता लगाना दुश्मनों के लिए आसान नहीं होगा। ये टॉरपीडो और ट्यूब लॉन्च एंटी शिप मिसाइल से हमला करने में सक्षम है। युद्ध की स्थिति में ये पनडुब्बी हर तरह की अड़चनों से सुरक्षित और बड़ी आसानी से दुश्मनों को चकमा देकर बाहर निकल सकती है। अब पड़ोसी देश को ये समझना होगा कि हमारे देश की मजबूत इच्छा शक्ति और नौसेना की बढ़ती ताकत से हम उसे कभी भी बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं।